स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल डू द राइमर टाइमन रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द फिनोल एंड इन दिस रिएक्शन द फिनोल इज कन्वर्टेड इन टू द सेलिसहाइड इन द प्रीवियस लेक्चर इन केस ऑफ द कोल्बेज रिएक्शन द फिनोल वॉज कन्वर्टिंग इन टू द सेलिसलिक एसिड बट हेयर फिनोल इज कन्वर्टिंग इन टू द सेलिसलडीहाइड तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही आपस में थोड़ी मिलती जुलती है एंड दीज टू रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फिनोल के केस में यही दो नेमड रिएक्शन है इसके अलावा फिनोल के केस में कोई नेमड रिएक्शन नहीं है तो देखो जो इसका फर्स्टली रिएक्शन है समटाइम्स आपको डायरेक्ट ही क्या आ जाता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द राइमर टाइमन रिएक्शन तो आपको रिएक्शन सबसे पहले तो लिखनी आनी चाहिए होता क्या है इस रिएक्शन में कि जो आपका फिनोल है देखो रिएक्शन ये किसकी है ऑफ द फिनोल तो आपका यहाँ पर हम लिखते हैं फिनोल की जो रिएक्शन है वो सबसे पहले किसके साथ होती है क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कि सी एच सी एल थ्री के साथ और साथ ही साथ यहाँ पे एक्वेस एन एच के साथ रिएक्शन होती है ओके एक्वस एन के साथ रिएक्शन होती है तो दोनों आप जो रिएक्शन है जो पीछे आपने कोलबेस रिएक्शन करी है उसमें भी देखा होगा फर्स्ट स्टेप में भी आपका क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था बस इसमें एक नई चीज़ है कि क्लोरोफॉर्म आपका सी एच सी एल थ्री यूज़ होगा अब देखो अब इसमें क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका मतलब क्या होगा एच और यहाँ से ओ OH एच निकल जा जाएगा और आपके पास एक कंपाउंड बनेगा जो कि कैसा होगा यहाँ पर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है एंड सोडियम आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव आए बटे मतलब सोडियम फिनॉक्साइड आयन तो आपके पास बनेगा बनेगा बट बिकोज आपके पास सी एच सी एल थ्री है तो साथ ही साथ आपका ऑर्थो पोजिशन पे क्योंकि अगेन यहाँ पे वही फंडा है कि ऑर्थो वाला कहीं ना कहीं आपका स्टेबल कंपाउंड बनने वाला है बिकेज ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आपकी होने वाली है तो देखो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड था जैसे पहले रिएक्शन में था फिर तो यही तक रिएक्शन होनी थी मतलब नेक्स्ट स्टेप सोडियम फेनॉक्साइड बनना था बट यहाँ पर एडिशनल आपका यू हैव अ क्लोरोफॉर्म तो सी एच सी एल थ्री अगर है तो ऑब्वियसली ऑर्थो पोजीशन पर हम बनाएंगे और क्या बनाएंगे यहाँ पे सी एच सी एल टू लगेगा क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल रहा होगा तो अगर इसको सी डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते हम तो यहाँ पर क्या बनेगा सी सी एल टू सो दैट सबकी वेलेंसीज भी क्या हो कम्प्लीट हो जाए तो एक हमारे पास ये इंटरमीडिएट कम्पाउंड बन गया तो अगेन देखो अगर पूछते हैं राइमर टाइमन में क्या इंटरमीडिएट है तो आप ये इंटरमीडिएट नहीं बताओगे मैं उसे आगे बताऊँगी कि इंटरमीडिएट इसमें एक कार्बीन बनती है जो बिल्कुल इसके मैकेनिज़म में बताई गई है ओके वो क्वेश्चन में आ सकता है बेशक मकैनिज़म आप छोड़ सकते हो तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट अभी फिलहाल हम इसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल सकते हैं बट अगर इंटरमीडिएट कभी भी आपसे पूछे तो आप क्या बताओ

ओ नेगेटिव और एनी पॉजिटिव तो है ओ नेगेटिव एंड एनी पॉजिटिव तो एज इट इज़ है बट यहाँ का क्या हो जाएगा इस पोजिशन का आपका ये सी एच ओ बन जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में और क्या रिएक्शन हो रही है एसिडिफिकेशन हम करेंगे एसिडिफिकेशन से क्या होगा डायरेक्टली यहाँ पर क्या बन जाएगा डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए था हाइड्रोजन वो मिल चुका है एंड यहाँ पर आपका एल डी हाइड ग्रुप लगा है दैट इज दी एच ओ तो दिस इज़ वर्थ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और इसे कहते हैं सेलिसी हाइड सेली हाइड दिस इज अलिस एंड सैलिसलिक एसिड क्या था सैलिसलिक एसिड था जब यहाँ पर ओ OH एच के साथ ऑर्थो पोजीशन पर ही आपका सी ओ ओ एच लगा था तो देखो कहीं ना कहीं आपके ये थोड़े कंपेयर कर सकते हो प्रोडक्ट आपके थोड़े सिमिलर देखने को मिल रहे हैं ओके तो यहाँ से फिनोल से आप कहाँ गए फिनोल से आप रिएक्शन करवा के गए सेली हाइट में तो आप ये शॉर्ट में ये थोड़ी इलाबोरेटेड रिएक्शन है तो आप शॉर्ट में इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हो देखो शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि आपने फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई है फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई है अगर आपकी सी एच सी एल थ्री रहता है और आपके पास एन एच रहता है एंड फिर दूसरे स्टेप में फिर से एन ओ एच बार बार लिखने की जरूरत नहीं है समटाइम्स आपको सिर्फ ये एसटिफिकेशन भी देते हैं तो आपके पास डायरेक्ट क्या रिजल्ट बनता है वो देखो डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट बनता है यहाँ पे सी एच ओ दैट इज द सेल हाइट हाइड दिस इज़ अ सैलिसडी हाइड एंड दिस इज योर फिनोल दिस इज योर फिनोल तो ये शॉर्ट वाली रिएक्शन है पर जब रिएक्शन लिखने को आए तो आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे अब देखो ये जो आपका कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है ये आपके पास क्या है ये एक सब्सटिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड है बेंजल क्लोराइड क्यों हुआ देखो सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड लिखना है देखो जब भी यहाँ पर सी एच होगा सी एच होता है तो उसे बेंजल कहते हैं अगर सी एच टू होता तो उसे बेंजाइल कहा जाता है जब भी बेंजीन के ऊपर सी एच हो और बाकी उसके वैलेंसी में कोई ग्रुप्स लगे हो तो वो कहलाता है ये सी एच अगर बेंजीन के ऊपर लगा है तो वो कहलाता है बेंजल तभी हम कहते हैं इसे सब्सटीट्यूटेड बेंजल सब्सटीटूट बेंजल क्लोराइड ओके okay? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है इसके रिएक्शन के बारे में फिनोल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या है आपका सी एच सी एल थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ सी एच सी एल थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है देन आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है कंपाउंड इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि है सब्सटीट्यूटेड बेंजल बेंजल क्लोराइड सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड दिस इज द ch एच इज द बेंजल ओके सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीन मतलब वही बात होगी फिर से उसे एन के साथ रिएक्ट करो और एसिडिफिकेशन करो एच पॉजिटिव दो तो आपको सेलेसेल मिल जाएगा तो रिएक्शन जब भी आए तो आपको ये लिखना है थोड़े ज़्यादा मार्क्स की आए तो साथ में आपको ये इसकी डिटेल भी लिखनी है कि ये सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड एक कंपाउंड बीच में हमारे पास बना है अगेन एक और बात आती है कि यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों बना यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट भी तो बन सकता था अगेन द रीजन इज सेम क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी हो रही है ना ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट में जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है एंड दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप सी एच ओ ग्रुप है तो इनके बीच क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस वजह से क्या है इस वजह से ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे ये स्टेबल प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहे हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जहाँ कहीं और जहाँ कहीं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वहाँ पर आपका पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है ओके okay? नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राइमर टाइमन में आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है देखो वो तो इंटरमीडिएट कंपाउंड सा था वो तो आपको रिएक्शन में बताया जा रहा है बट मेन जो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनती है आपकी इंटरमीडिएट बनता है वो होता है आपका कार्बीन और मोर पर्टिकुलरली कौन सा कार्बीन बनता है डाई ओके डायक्लोरो समटाइम्स ये ऑप्शन में होता है कार्बिन या फिर आप लिख सकते हो डाएक्लोरो पर्टिकुलरली अगर बताना है कौन सा कार्बिन है दिस इज द डायक्लोरो कार्बिन वो होता है डाएक्लोरो मतलब कार्बन से कार्बिन का क्या मतलब है कार्बन तो है और डाएक्लोरो है दो क्लोरीन है बट उसके साथ और कोई ग्रुप्स नहीं जुड़े हैं तो ऑब्वियसली कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर होता है एक यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ हुआ एक यहाँ यूज़ हुआ है बाकी तो फ्री है तो बाकी फ्री है तो उन्होंने इस तरह से लिख दिए ऐसे स्पीशीज को

कंपाउंड का आपका ऑप्टेट कंप्लीट नहीं होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो क्या होगा वो एक लूइस एसिड होगा वो एक डेफिशिएंट स्पीशी होगी देखो ऑक्टेट कैसे देखेंगे तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं हम वो भी काउंट करते हैं वन टू एक बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वन टू क्योंकि ये शेयरिंग में है तो अब आप कार्बन के साथ ऑक्टेट बनाने के लिए तो काउंट कर सकते हो अगर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं तो आप सिर्फ ये देखते हो कि जो इसने एक एक कॉन्ट्रीब्यूट किया है बॉन्ड में तो यहाँ पर अगर हम ऑक्टेट देख रहे हैं वी हैव टू काउंट ऑल ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड सिक्स तो यहाँ पे सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट के लिए एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए तो हेयर द ऑक्टेट ऑफ द कार्बिन इज नॉट कंप्लीट दैट इज वाई इट इज टर्म्ब एज लुइस एसिड एक ये बात होगी और इम्पॉर्टेंट एक बात ये भी देख लो इसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द कार्बिन जो एक कार्बिन कंपाउंड है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप क्या देखते हो कितने लोन पेयर हैं उनका नंबर और कितने बॉन्ड्स है, हैं सिग्मा बॉन्ड्स पर्टिकुलरली कितने बॉन्ड पेयर है उनका नंबर तो सिंगल सिंगल बॉन्ड को पहले काउंट कर लो वन एंड टू टू आपके पास बॉन्ड पेयर है यानी सिंगल बॉन्ड्स है और यहाँ पे लोन पेयर कितने है? अब इनको टू काउंट नहीं करना लोन पेयर का क्या मतलब होता है कि दो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है उसको बोलते हैं एक लोन पेयर तो ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो इसे कहा जाएगा एक लोन पेयर तो हमने लिख लिया एक लोन पेयर तो उससे आया थ्री नंबर थ्री नंबर एसोसिएट करता है आपको थ्री स्टेरिक नंबर किससे एसोसिएट करता है एस पी टू क्योंकि यहाँ पर भी टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री होता है तो यस इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी टू तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपको ध्यान रखने में देखो अगेन आगे हम जो इसकी मकानिजम करने वाले हैं तो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतनी क्योंकि गिवन भी नहीं है बट ये है कि आपके अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो यू शुड नो कि ये कैसे वर्क करता है मतलब इसके पीछे क्या है कि ये वर्क कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए तो जल्दी से हम वो भी कवर कर लेते हैं बोर्ड्स में आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं उसको तो यहाँ पर क्लोरोफाम जो होता है दिस इज़ दी सी सी एल थ्री एंड यहाँ पर एच होगा तो इसके रिएक्शन पहले किसके साथ जो सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ओ एच नेगेटिव होगा उसके साथ होगी अब ये क्लोरीन क्या करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं इस वजह से इस हाइड्रोजन को ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ये ओ एच नेगेटिव है उसे तो हाइड्रोजन चाहिए तो ये क्या करेगा ये इसे अपनी तरफ ले लेगा तो ये क्या करेगा ये बॉन्ड क्या होगा कार्बन के ऊपर आ जाएगा तो आपके पास क्या रिएक्शन में आगे मिलेगा आपके पास मिलेगा रहेगा क्या कार्बन क्लोरीन एंड क्लोरीन रह गया बिकॉज ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए तो यहाँ कार्बन पे आपका नेगेटिव साइन आ गया ओके ये तो क्लियर है और यहाँ से क्या हुआ उसके बाद क्या होता है ये उतना स्टेबल नहीं होता क्लोरीन क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है तो ये क्या करता है इस बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन लेके एक क्लोरीन एक क्लोरीन निकल जाएगा अगर एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया दैट मीन्स क्या हुआ कार्बन का एक बॉन्ड अलग हो गया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर आपके पास आएगा यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये आपका खत्म हो जाएगा बिकॉज देखो अगर देखना हो तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच इलेक्ट्रॉन वैलेंस में आ रहे हैं इसके तो इसका मतलब नेगेटिव हमने इसलिए लगाया क्योंकि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे अब एक आपका क्लोरीन का बॉन्ड चला गया तो कार्बन में से आपके पास क्या हुआ कार्बन क्या बना कार्बन ने दो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं एंड दो इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो देखो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं वन टू थ्री एंड फोर तो इस नेगेटिव साइन का लगने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि नेगेटिव साइन बताता है कि अपने कैपेसिटी से अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो तो उसके पास क्या आता है नेगेटिव साइन उसके पास आता है नाउ व्हाट इज दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि हम बात कर रहे हैं दिस इज योर कार्बिन दिस इज योर इंटरमीडिएट हम लिखते हैं इंटरमीडिएट जिसकी हम बात कर करें दिस इज योर इंटरमीडिएट जो कि है कार्बन कार्बिन कार्बन पार्टिकुलरली या फिर सिर्फ कार्बन भी कह सकते हो अभी कार्बन क्या होता है आपके पास इंटरमीडिएट है और आपको पता है ये एसिड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो आगे चल के क्या करेगी तो ये आगे चल के क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ ये लग जाएगी ओके तब अब बात करते हैं यहाँ से इंटरमीडिएट बन चुका है अब हम बात कर लेते हैं फिनोल की अब हम लेते हैं फिनोल फिनोल है ओ OH और फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है ओ एच निगेटिव के साथ हो रही है बिकॉज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है अब इसने क्या किया इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए वाटर निकल गया यहाँ पर एंड आपके पास फिर से क्या बना आपके पास फिनॉक्साइड आयन बन चुका है आपके पास क्या बना है फिनॉक्साइड आयन बन चुका है क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये इसके ऊपर चले गए अब फिनॉक्साइड आयन में हमेशा हमें पता है तो क्या होगा यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा एंड इस ऑर्थो ऑर्थोपोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम ले आएंगे बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमें पता है कि ऑर्थो ऑर्थोपोजीशन पर हमें क्या बनाना है प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ गया यहाँ पर नेगेटिव आ गया अब देखो ये नेगेटिव स्पीशीज है और हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बिन भी हमने बनाया है जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिससे कि जरूरत है किसकी जिससे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की ओके okay, इससे ज़रूरत इलेक्ट्रॉन्स की है अब आप ऐसे मत सोचना कि कार्बन के पास तो लोन पेयर दिख रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए नो no, बिकॉज इसका क्या है अगर आप देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है दैट इज वाई इट इज़ द लूइ एसिड जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है अब क्या होगा जो ये नेगेटिव है ऑब्वियसली वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देंगे सो so दैट इसकी डेफिशेंसी को दूर करेंगे अब इसके बाद क्या होगा यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड था वो इज़ रहेगा ये बॉन्ड्स भी इज़ यहाँ से कार्बन के साथ बॉन्ड बन चुका है एंड यहाँ पर क्लोरीन आया यहाँ पर क्लोरीन आया और साथ में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर थे अब यहाँ पर देखो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव एक एक्स्ट्रा लग रहा है तो दैट इज़ वाई यहाँ पर आप एक नेगेटिव साइन भी डिनोट करोगे कि ये ये बताता है कि कार्बन के पास अपनी लिमिट से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ओके okay? अंडरस्टूड अब क्या होगा सिंस यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रही है आपकी तो ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो पिक्चर में आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और सिंस ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन भी ऊपर को ऊपर को दे देंगे तो इस तरह से आपके पास रिएक्शन में क्या आया आपके पास रिएक्शन में क्या आया कि यहाँ पर और एक और बात अगर ये एच पॉजिटिव अगर ये एच पॉजिटिव है ये एच पॉज़िटिव निकल रहा है तो ये ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देंगे कि यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन देने को है तो आपके पास रिएक्शन में क्या बना देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर अगेन नेगेटिव आ गया एंड यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन हो गई यहाँ पर क्या हुआ कार्बन के पास कार्बन ने यहाँ पर क्लोरीन था क्लोरीन था एंड कार्बन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर हाइड्रोजन आया और इस पर नेगेटिव भी इसका हट चुका है अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास रिएक्शन मिक्सर में अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के टू मोल्स क्या करेंगे क्लोरीन के दो मोल्स को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया यहाँ पर आपके पास आ गया आपके पास ओ नेगेटिव एंड क्लोर कार्बन हाइड्रोजन एंड यहाँ पर ओ एच एंड ओ एच लग जाएगा जो कि क्लोरीन को रिप्लेस करके लगा है अब कभी भी केमिस्ट्री में अगर आपके पास ओ एच ओ एच साथ में आ जाए तो उसकी बहुत प्रॉबिलिटी होती है कि यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा वाटर का तो अगर वाटर का लॉस हो गया तो आपके पास क्या बना तो वाटर का लॉस होने के बाद आपके पास ओ नेगेटिव है एंड यहाँ कार्बन है कार्बन के पास एच है एंड यहाँ पर कार्बन की अगर ऑक्सीजन ही बचा तो ऑब्वियसली उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के साथ आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो लास्ट में आपके पास क्या बन जाता है लास्ट में आता है प्रोसेस एच पॉजिटिव एसिडिफिकेशन का और लास्ट में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पर ओ OH एच लग जाएगा एंड यहाँ पे आपका सी एच ओ है एंड दिस इज़ योर This is what? This is your salicyldehyde. दिस इज योर सैली सेलिलडी हाइट तो आपके पास इस तरह सेलेलिसडी हाइट बनता है बोर्ड्स के लिए आप ये मकैनिज्म ऑब्वियसली बात है स्किप करोगे सिर्फ और सिर्फ ये याद रखोगे कि इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कौन सा है योर इंटरमीडिएट इज द कार्बिन और बस इसके बारे में ये बातें याद रखनी है दोनों ही की जो मकैनिज्म है कोलबेस रिएक्शन और राइमर टाइमन की रिएक्शन का मकैनिज्म है वो देखो बोर्ड्स के लिए तो आप दोनों के लिए ही स्किप कर सकते हो बट जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस किस से रिएक्शन प्रोसीड करी थैंक यू सो मच